अरे दुष्टो, क्यों पकड़ रखा है इन साधुओं को? मैं कहता हूं छोड़ दो और अपने इस घृणित कार्य के लिए इनसे माफी मांगो। माफी मांगे? तुम लगता है यहाँ पर नए आए हो, तभी तो तुम्हें पता नहीं कि हमारे राजा महेंद्र देव ने ये आदेश जारी कर रखे हैं कि कोई भी नाथ पंथ का योगी तुम्हें दिखाई दे उसे पकड़कर कैद में डाल दो, और इस पर राजा हमें इनाम भी देते हैं। अपने राजा महेंद्र देव से जाकर कहो कि अब उनके अत्याचार का अंत आने वाला है, क्योंकि इन साधुओं की रक्षा के लिए योगी मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ आ गया है, और मेरे रहते ऐसे घृणित कार्य दोबारा घटित नहीं होंगे। अरे, हमारे नरेश के खिलाफ बोलता है, और वो भी नाथ पंथ का योगी, देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। देखा इसका अंजाम? अगर और किसी ने ऐसी हिम्मत की तो उसका भी यही हश्र होगा। हे गुरु गोरखनाथ, प्रणाम। अच्छा हुआ आज आपने आकर हमारी जान बचा ली, वरना पता नहीं ये लोग हमारी क्या हालत करते। गुरुदेव, हे गुरु गोरखनाथ, हम गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के अनुयायी हैं। काफी समय पहले गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने नेपाल की यात्रा की थी, तब काफी लोगों ने नाथ पंथ को ग्रहण किया था। हे गुरु गोरखनाथ, हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रहें और राजा महेंद्र देव को सबक सिखाएं। आप चिंता न करें मेरे नाथ योगियों, मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ के आदेश से राजा महेंद्र देव को सबक सिखाने के लिए ही आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कार्य को अंजाम देने में आपका पूर्ण सहयोग मिले। आप चिंता ना करें गुरु गोरखनाथ, हम सब आपके साथ हैं। मेरे नाथ भाइयों, आप मुझे गुरु का संबोधन न करें, क्योंकि आपके गुरु भी मच्छिंद्रनाथ जी हैं और मेरे गुरु भी वही हैं, इसलिए हम गुरु भाई हुए। नहीं नहीं गोरखनाथ जी, ये वो बात नहीं। हम ये जानते हैं कि आप भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए हम आपको गुरु ही कहेंगे। ठीक है, आपको जो उचित लगे वही कहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या गुरुदेव? यही कि राजा महेंद्र देव का इस तरह नाथ पंथ के योगियों पर अत्याचार करने का कारण क्या है? इसका तो केवल एक ही कारण है गोरख जी, नेपाल नरेश महेंद्र देव ने बौद्ध धर्म ले लिया है, और वह चाहता है कि नेपाल में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी इसी धर्म को अपनाएं, इसलिए उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और उसका निशाना हम नाथपंथी भी बने। उनके इस रवैये के कारण कई नाथ साधु तो नेपाल देश छोड़कर ही चले गए गुरुदेव, और कई योगियों ने नाथ पंथ को ही त्याग दिया है। इसके अलावा भी है राजा भोग विलास में डूबकर अपने धर्म कर्म से विमुख हो गया है, और कई तरह से प्रजा को यातनाएं दे रहा है। हे गुरु गोरखनाथ जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी योग विद्या से अभी चलकर राजा महेंद्र देव को भस्म कर दें, ताकि उनको भी पता लग जाए कि नाथ योगियों में कितनी शक्ति है। धैर्य धैर्य मेरे नाथ योगियों, आप सबका क्रोध में आना उचित है, लेकिन कभी कभी इंसान इस क्रोध के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऐसे कार्य को अंजाम दे देता है जो किसी भी प्रकार से सही नहीं होते। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम नाथ योगियों का पहला कार्य किसी को जिंदगी देना होता है, न कि किसी की जिंदगी लेना। इसलिए हम मर्यादाओं में रहकर ही राजा महेंद्र देव को अपनी भूल का प्रायश्चित कराएंगे, और यही गुरु मच्छिंद्रनाथ का आदेश है। लेकिन हे गुरु गोरखनाथ, हम अभी तक ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि आपके पास ऐसी
कौन सी विधि है जिससे आप राजा महेंद्र देव को बिना कोई क्षति पहुंचाए सही मार्ग पर ले आएंगे? इसका भी उपाय है मेरे पास। मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ ये घोषणा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ समाधि लगाकर बैठा रहूंगा तब तक इस पूरे नेपाल देश में कहीं भी वर्षा नहीं होगी। गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, 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 गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में। हम योगी कल्याण करणी सदा पाप के दुश्मन, खाली जाए न वचन हमारा आ जाए चाहे भगवन। हम योगी कल्याण करणी सदा पाप के दुश्मन, खाली जाए न वचन हमारा आ जाए चाहे भगवन। जब तक रहे समाधि ना बारिश हो इस काल में, जब तक रहे समाधि ना बारिश हो इस काल में, 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 ना बारिश हो इस काल में। गोरख ने चिमटा गाड़ा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा गाड़ा गुरु आज्ञा से नेपाल में। वचनों को इंद्र ने भी पड़ा निभाना, अकाल पड़ा नेपाल देश में उपजाना एक दाना। सिद्ध योगी के वचनों को इंद्र ने भी पड़ा निभाना, अकाल पड़ा नेपाल देश में उपजाना एक दाना। ना रही हरियाली बिल्कुल ना पानी है किस ताल में, ना रही हरियाली बिल्कुल ना पानी है किस ताल में, 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 ना पानी है किस ताल में। गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में। हाहाकार मची नगरी में बजा भूख का डंका, लूट पाट लगी हत्या होने नगरी बन गई लंका। हाहाकार मची नगरी में बजा भूख का डंका, लूट पाट लगी हत्या होने नगरी बन गई लंका। महेंद्र देव घबराया इस गोरख के कमाल से, महेंद्र देव घबराया इस गोरख के कमाल से, इस
इस गोरख के कमाल से, इस गोरख के कमाल से, इस गोरख के कमाल से, इस गोरख के कमाल से। गोरख ने चिमटा गाड़ा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा गाड़ा गुरु आज्ञा से नेपाल में। गोरख समाधि की बात से महेंद्र देव झुझलाया, अहंकार में भर कर उसने योगी को धमकाया। गोरख समाधि की बात से महेंद्र देव झुझलाया, अहंकार में भर कर उसने योगी को धमकाया। अरे मत बन इतना वीर कहीं फंस जाएगा जंजाल में, अरे मत बन इतना वीर कहीं फंस जाएगा जंजाल में, फंस जाएगा जंजाल में, फंस जाएगा जंजाल में, फंस जाएगा जंजाल में, फंस जाएगा जंजाल में। गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में, गोरख ने चिमटा काटा गुरु आज्ञा से नेपाल में। मैं माँ हूँ धरती माँ, तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को अखंड प्रतिज्ञा कर समाधि में लीन हुए कई वर्ष बीत गए। उनकी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ने का साहस स्वयं इंद्रदेव भी नहीं रखते थे। इसलिए जिस दिन से महायोगी गुरु गोरखनाथ समाधि लगाकर बैठे थे, उसी दिन से पूरे नेपाल में वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी। फलस्वरूप नदियों तालाबों में झरनों का पानी सूख गया और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सारी जनता त्राही त्राही करने लगी। इस प्रकार भूखे प्यासे लोगों ने सरकारी अनाजों के गोदाम भवनों वे यहाँ तक कि राजा के महलों को भी लूटना आरंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। इससे विचलित होकर नेपाल नरेश महेंद्र देव ने अपने मंत्रियों व सेना नायकों की आपात बैठक बुलाई। योद्धाओं के योद्धा, महाबलियों के महाबली, सूरवीरों के सूरवीर, नेपाल नरेश महेंद्र देव पधार रहे हैं, सावधान। नेपाल नरेश राजा महेंद्र देव की जय। 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 बंद करो ये जय जयकार।
सेनापति जी। जी महाराज। ये हम क्या सुन रहे हैं कि सारे नेपाल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग वर्षों से कमाए सरकारी खजानों व राजभवनों को लूट रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इस तरह विद्रोही कैसे हो गई, और हमारे पास इतनी बड़ी सेना है फिर भी आप इस विद्रोह को रोक पाने में असमर्थ क्यों है। महाराज क्षमा करें, पिछले कई वर्षों से बरसात नहीं हो रही है, जिससे कोई फसल न होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों के पास खाने को कुछ भी शेष नहीं है। महाराज फलस्वरूप अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं और अब तो यह विद्रोह हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया। महाराज सेनापति, तुम ये जानते हो कि अगर हम इस विद्रोह को नहीं दबा सके तो भूखी प्यासी जनता हमारे प्राण भी ले सकती है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे ये विद्रोही जनता शांत हो जाए। इसका तो एक ही उपाय है महाराज। क्या उपाय है सेनापति, जल्दी बताओ। महाराज अगर किसी तरह वर्षा हो जाए तो ये अकाल की स्थिति समाप्त हो सकती है और फिर प्रजा भी अपने आप शांत हो जाएगी। महाराज वर्षा तो ठीक है, हम वर्षा के लिए महायज्ञ करेंगे, जिससे खुश होकर इंद्रदेव को वर्षा करनी ही पड़ेगी। पुरोहित जी। जी महाराज। आप पूरे संसार से अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशाल यज्ञ की तैयारी करें। महामंत्री जी। आज्ञा करें महाराज। राज पुरोहित जी को इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता हो आप राजकोष से इन्हें उपलब्ध कराइए। जो आज्ञा महाराज। अक्षमा करें महाराज, इस महायज्ञ का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके करने के बाद भी वर्षा नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं पुरोहित जी। जी हाँ महाराज, जब तक गुरु गोरखनाथ जी समाधि पर बैठे हैं तब तक पूरे नेपाल में वर्षा नहीं होगी। गोरखनाथ, ये गोरखनाथ कौन है पुरोहित जी। महाराज गोरखनाथ जी महायोगी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य और भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि जब तक वे समाधि पर बैठे रहेंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। महाराज अगर वो किसी तरह समाधि से उठ जाएं तो वर्षा हो सकती है। पुरोहित जी, अगर इसी कारण से वर्षा नहीं हो रही है तो गोरखनाथ का इंतजाम हम अभी कर देते हैं, ताकि उस धूर्त योगी को यह पता चल जाए कि नेपाल नरेश महेंद्र देव से टकराने का अंजाम क्या होता है। सेनापति। आदेश करें महाराज। तुम इसी वक्त अपने चुनिंदा सैनिकों को लेकर जाओ और गोरखनाथ को बेड़ियों में जकड़कर उसी कैद खाने में डाल दो जहां बाकी साधु कैद है। अक्षमा करें महाराज, आप इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं। गोरखनाथ जी कोई साधारण साधु नहीं है, ये आपके लिए उचित नहीं है महाराज। राज पुरोहित जी, शायद ही आप भूल रहे हैं कि नेपाल नरेश हम हैं आप नहीं, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। बेहतर यही होगा कि आप अपनी मर्यादाओं में रहकर ही कोई बात कहें। सेनापति, हमारे आदेश की पालना हो। जी महाराज। अच्छा तो तुम हो गोरखनाथ, बहुत हो चुका तुम्हारा ये ढोंग, अब अपनी समाधि त्यागो और हमारे साथ चलो।
हम आपकी हमारे कैदखाने में अच्छी तरह सेवा करेंगे। हमें सेवा का मौका दो गोरखनाथ जी। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे और ले चलो। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? आप मेरा विश्वास करें राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं आपके आदेश अनुसार चुनिंदा सैनिकों के साथ गोरखनाथ को पकड़ने गया, लेकिन महाराज उसके सामने हमारी एक नहीं चली। हम सभी अपनी जगह से हिल भी नहीं सके महाराज। फिर गोरखनाथ ने अपना विशाल रूप बनाकर सारे सैनिकों को निगल लिया महाराज। क्या? हाँ महाराज, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ महाराज। अब तो लगता है मुझे ही गोरखनाथ को सबक सिखाना पड़ेगा। आप ऐसा न करें महाराज, गोरखनाथ की शक्ति का अनुमान मुझे हो गया है। उसमें तो कोई देवी शक्ति है। अगर आपने फिर उसके पास जाने की चेष्टा की तो मुझे तो संदेह है कि वो पूरे नेपाल को ही निगल लेंगे महाराज। क्या सचमुच ये सत्य है सेनापति? अगर ये बात है तो फिर हम क्या करें? एक तरफ तो कुआ है तो दूसरी तरफ खाई। न तो हम विद्रोह को दबा सकते हैं और न ही गोरखनाथ को समाधि से खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से तो पूरा देश ही तबाह हो जाएगा और हम भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस तबाही से बचने का एक ही रास्ता शेष है महाराज। वो क्या पुरोहित जी, जल्दी बताइए, हमारे प्राण निकलकर कंठ में आ गए हैं। महाराज, आप समय गोरखनाथ जी की शरण में जाइए और उनसे अक्षमा मांगिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको अक्षमा कर देंगे। मुझे नहीं लगता पुरोहित जी कि वो ऐसा करेंगे। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर हमारे पास तो कोई उपाय ही नहीं है। आप पुरोहित जी कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे गोरखनाथ जी समाधि से भी उठ जाए और उन्हें क्रोध भी ना आए। इसका तो एक ही उपाय है महाराज। सबसे पहले तो आप अपने यहाँ जितने साधु संत कैद हैं उन्हें मुक्त करें और फिर गोरखनाथ जी के गुरु महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी की मूर्ति लगाकर उनकी शोभा यात्रा निकालिए और जब वो शोभा यात्रा गोरखनाथ के पास पहुंचेगी तो वो अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को प्रणाम करने के लिए आसन से जरूर उठेंगे और तभी उनके उठते ही वर्षा हो जाएगी महाराज। ठीक है पुरोहित जी, हम अभी शोभा यात्रा की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात और है महाराज, इस यात्रा के दौरान आप राजसी भेष में नहीं जाएंगे बल्कि आपको भी योगियों का भेष धारण कर झूमते नाचते जाना होगा। गोरखनाथ जी को तनिक भी एहसास न हो कि आप नेपाल नरेश हैं, वरना वे आपकी इस योजना को समझ जाएंगे और अपनी समाधि से कभी नहीं उठेंगे। ठीक है पुरोहित जी,
हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सेनापति जी, सारे नाथ योगियों व अन्य जो भी साधु संत हमारी कैद में हैं, उन्हें मुक्त कर दो और खाने को भोजन व वस्त्र प्रदान कर आदर सत्कार सहित विदा करो। कल हम गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की शोभा यात्रा निकालेंगे। पल में सवारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे। तप भक्ति और योग के पूरे अलख निरंजन हरि के नूरे, तप भक्ति और योग के पूरे अलख निरंजन हरि के नूरे, रोशन है जग सारे गुरुदेव हमारे, रोशन है जग सारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे। पूरण रूप अजर अविनाशी जैसे शंकर शिव कैलाशी, पूरण रूप अजर अविनाशी जैसे शंकर शिव कैलाशी, दीनों के मीत सहारे गुरुदेव हमारे, दीनों के मीत सहारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे। रिद्धि सिद्धि भक्ति के दाता ब्रह्म ज्ञान के पूरण ज्ञाता, रिद्धि सिद्धि भक्ति के दाता ब्रह्म ज्ञान के पूरण ज्ञाता, हरते को बूंद अंधियार गुरुदेव हमारे, हरते को बूंद अंधियार गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे। स्वयं ब्रह्म धरती पर आए सबका बेड़ा पार लगाए, स्वयं ब्रह्म धरती पर आए सबका बेड़ा पार लगाए, आरती जगत उतारे करवारे न्यारे, आरती जगत उतारे करवारे न्यारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे, बिगड़ी हुई पल में सवारे गुरुदेव हमारे।
महेंद्र देव। अक्षमा गुरु गोरखनाथ, अक्षमा करें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद कोई भी नाथ पंथ के योगियों से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। महेंद्र देव, तुमने हमारे साथ छल किया है, तुमने एक षड्यंत्र के तहत हमें समाधि से खड़ा किया है, हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। रहम रहम करो गुरु गोरखनाथ, ये नेपाल नरेश महेंद्र देव आपके चरणों की धूल है। गुरु गोरखनाथ, मुझे अक्षमा करें महाराज, मैंने सभी साधु योगियों को मुक्त कर दिया है। आज के बाद मैं कभी प्रजा पर अत्याचार नहीं करूंगा और सदा धर्म कर्म के मार्ग पर चलूंगा महाराज। अक्षमा, अक्षमा तो आप जैसे महान योगियों का परम धर्म है महाराज, मुझे अक्षमा करें। तो ठीक है नेपाल नरेश महेंद्र देव, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन एक बात सदा याद रखना, साधु संत और ये प्रजा भगवान का रूप होते हैं। एक राजा को उन पर अत्याचार करने की बजाय उनकी दिन रात सेवा करनी चाहिए। आज हम तुम्हें पहली बार अक्षमा कर रहे हैं, लेकिन इस बात का स्मरण रहे कि दोबारा ऐसी गलती की तो फिर तुम्हें बचाने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। हम ये भूल जाएंगे कि तुम गुरु मच्छेंद्र नाथ जी के शिष्य हो। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। मैं माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार शिव अवतारी महागुरु गोरखनाथ जी नेपाल नरेश महेंद्र देव को क्षमा कर एकांत स्थान पर जाकर तपस्या करने लग जाते हैं। इस दौरान एक अपाहिज व्यक्ति सुबह शाम गोरखनाथ जी की सेवा करने लगता है और उन्हें ही अपना सब कुछ मानता है। उनकी भूख प्यास मानो गोरख जी के दर्शनों से ही मिट जाते थे। उधर नेपाल नरेश ये समझकर कि गोरखनाथ जी नेपाल से जा चुके हैं, अपने धर्म अपने कर्म फिर से भूल बैठा, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य की ये प्रवृत्ति रही है कि अच्छे दिन आते ही वे अपने पुराने समय को भूल जाता है। और यही राजा महेंद्र देव के साथ हुआ, वह ये बिल्कुल ही भूल गया कि कभी उन्होंने गोरख जी से अपने प्राणों की क्षमा मांगी थी। वह फिर से नाथ पंथी साधुओं पर पहले से भी अधिक अत्याचार करने लगा। अब की बार तो परिस्थितियां पहले से भी भयंकर वे दुखदायी थी। यह समाचार देने के लिए गुरु गोरखनाथ जी को ढूंढते हुए शिष्य उनके पास पहुंच गए।
प्रणाम गुरु गोरखनाथ। आओ मेरे नाथ योगियों, स्थान ग्रहण करो। हे गुरु गोरखनाथ, हम आपको कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, फिर कहीं जाकर आपके यहाँ होने का पता चला। क्या हुआ नाथ योगियों, मुझे इस तरह ढूंढने का आपका अभिप्राय क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या समस्या है? हे योगीराज, समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि नेपाल नरेश महेंद्र देव ने ये समझकर कि आप यहाँ से चले गए हैं, फिर से नाथ योगियों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया है। अब तो उसका रवैया पहले से भी भयंकर व कठोर हो गया है। न जाने वो योगियों को किस किस तरह की यातनाएं देता है। योगीराज, महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह नेपाल से नाथ पंथ का नाम ही समाप्त कर देना चाहता है। लगता है नेपाल नरेश महेंद्र देव का अब अंत आ गया है, जो हमारे समझाने पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब की बार हम उसे ऐसा दंड देंगे कि उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा भविष्य में फिर कभी कोई राजा नाथ पंथ के योगियों पर अत्याचार नहीं करेगा। हम महेंद्र देव को राजगद्दी से उतार कर किसी अन्य व्यक्ति को नेपाल नरेश बनाएंगे। लेकिन हे गुरुदेव, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो राजा महेंद्र देव के साथ युद्ध करना होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो महाराज इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां फैलेंगी। कुछ लोग तो इस युद्ध को राज्य की चाह के लिए युद्ध बताएंगे, और आप पर आरोप लगाने से बाज नहीं आएंगे महाराज, क्योंकि एक योगी के लिए राज्य की चाह में युद्ध करना अपने आप में घृणित कार्य है। हम इन बातों से भली प्रकार परिचित हैं, इसलिए हम स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि बलवंत राजा महेंद्र देव से युद्ध करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो चलने में भी असमर्थ हूँ, और युद्ध करने के लिए तो बहुत ताकत व सेना की जरूरत होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं राजा महेंद्र देव से युद्ध करने गया तो वो तो क्षण भर में ही मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे महाराज। हे गुरु गोरखनाथ, बलवंत का कहना सत्य है, राजा महेंद्र देव के सामने तो बड़े बड़े योद्धा दैत्य दानव हार मान गए, वो तो बलवंत को एक पल में चींटी की भांति मसल देगा। आप सबका कहना सत्य है, लेकिन बलवंत ने मेरी इतने दिनों से सच्चे मन से भक्ति की है, और अपने भक्तों की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। जो कोई इंसान मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है, हम उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसकी शायद वह स्वयं भी कल्पना नहीं करता। इसलिए हम बलवंत को अपाइज होते हुए भी इसको नेपाल नरेश बनाएंगे। और रही बात ताकतवर होने की, तो ये लो। हे गुरु गोरखनाथ, तुम्हारी जय हो। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना शक्तिशाली और सुंदर शरीर प्राप्त करूंगा। ये सब आपकी भक्ति का फल है गुरु गोरखनाथ। अब तुम इतने शक्तिशाली बन गए हो शिष्य बलवंत, कि राजा महेंद्र देव को युद्ध में परास्त कर सको। लेकिन महाराज, युद्ध लड़ने के लिए तो सेना की जरूरत होती है, और राजा महेंद्र देव के पास तो विशाल शक्तिशाली सेना है। ऐसे में मेरा अकेले मुकाबला करना कठिन है गुरुदेव। इसके लिए बलवंत, तुम तालाब की मिट्टी लेकर अधिक से अधिक वीर सैनिकों के पुतले बना दो। हम उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देंगे, और वही तुम्हारी वीर सेना होगी। आगे चलकर यही वीर सैनिक गोरखा जाति के नाम से प्रसिद्ध होंगे।
जो आज्ञा गुरुदेव। लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के। लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल। की सेना आगे महेंद्र देव डटेना, यू लड़ी पुतलों की सेना आगे महेंद्र देव डटेना। रण में कदम हटे न लड़े दिल खोल खोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के। मंत्र संजीवनी पढ़ते रह गोरख पुतले गढ़ते, मंत्र संजीवनी पढ़ते रह गोरख पुतले गढ़ते, जो शत्रु को पकड़ रगड़ते शक्ति तोल तोल के, जो शत्रु को पकड़ रगड़ते शक्ति तोल तोल के। लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के। सेना महेंद्र देव की हारी बड़ी सिद्धि शक्ति पर भारी, सेना महेंद्र देव की हारी बड़ी सिद्धि शक्ति पर भारी, गोरख हुए चमत्कारी वाणी बोल बोल के, गोरख हुए चमत्कारी वाणी बोल बोल के। लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी खोल खोल के।
करमाती सदा निर्बल जन के साथी, गुरु गोरख सिद्ध करमाती सदा निर्बल जन के साथी। रची आप गौर का जातु शान सब घोल घोल के, रची आप गौर का जातु शान सब घोल घोल के। लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के, मिट्टी घोल घोल के। लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के, लगे गोरख से न बनाने मिट्टी घोल घोल के। मैं माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार महायोगी गुरु गोरखनाथ ने अपनी संजीवनी विद्या से मिट्टी के पुतलों को जीवित इंसानों में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से कुछ ही समय में हजारों वीर गोरखा सैनिकों की सेना तैयार हो गई। नेपाल नरेश, महेंद्र देव वे बलवंत के बीच हृदय हिला देने वाला भयंकर युद्ध हुआ। गोरखनाथ की शक्ति से उत्पन्न गोरखा सैनिक बड़े ही अदम्य साहस से दुश्मन की सेना से लड़ रहे थे। देखते ही देखते नेपाल की राजधानी खून से नहाने लगी। राजा महेंद्र देव बलवंत का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सका और अपने हथियार डाल दिए। बलवंत उसे बंदी बनाकर गुरु गोरखनाथ के पास ले आया। हे गुरु गोरखनाथ, बलवंत का प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मैं युद्ध से जीत कर आया हूं और आपका अपराधी आपको सौंपता हूं। महाराज, आप आदेश दें कि इस दुष्ट का क्या किया जाए। हे गुरु गोरखनाथ, मैं नेपाल नरेश महेंद्र देव, अपने नाम के साथ नेपाल नरेश का संबोधन न करें। इस समय तुम नेपाल नरेश नहीं बल्कि युद्ध में हारे हुए अत्याचारी शासक हो और एक अपराधी के रूप में हमारे सामने खड़े हो, इसलिए अपराधियों की तरह गर्दन झुकाकर बात करो। अक्षमा करे गुरु गोरखनाथ, अपनी गंदी जुबान से तुम्हें मुझे गुरु कहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे जैसे पापी व धर्मी को नाथ संप्रदाय में भी रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे पापों की हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि जिसकी कल्पना से ही तुम्हारी रूह कांपने लग जाएगी। अक्षमा करे महाराज, अक्षमा करे मुझे, मैं आपका गुनेगार हूं, मुझ पर तरस खाइए योगीराज। शरण पड़ा गुनेगार नाथ जी, माफ करो
मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो। मालिक सभी के घट में रहता, वाणी वो जिसके मुख कहता, मालिक सभी के घट में रहता, वाणी वो जिसके मुख कहता, किया उन संतों का तिरस्कार नाथ जी माफ करो, किया उन संतों का तिरस्कार नाथ जी माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो। राजपाट और ठाठ अमीरी सब झूठी सौगात जागीरी, राजपाट और ठाठ अमीरी सब झूठी सौगात जागीरी, किया इस माया का अहंकार नाथ जी माफ करो, किया इस माया का अहंकार नाथ जी माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो। लोभ पाप का बाप बताया, घमंड का सिर नीचा ठहराया, लोभ पाप का बाप बताया, घमंड का सिर नीचा ठहराया, किया स्वार्थ को स्वीकार नाथ जी माफ करो, किया स्वार्थ को स्वीकार नाथ जी माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, माफ करो मुझे माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो, मैं शरण पड़ा गुनगार नाथ जी माफ करो। पिता और गुरु का कहना सबसे सुंदर सच का कहना, माता पिता और गुरु का कहना सबसे सुंदर सच का कहना, किया मानने से इनकार नाथ जी माफ करो, किया मानने से इनकार नाथ जी माफ करो,
माफ करो मुझे माफ करो मैं शरण पड़ा गुनेगार नाथ जी माफ करो मैं शरण पड़ा गुनेगार नाथ जी माफ करो नाथ जी माफ करो नाथ जी माफ करो। आज मैं तुम पर तरस कैसे खाऊं? भूल गए वो दिन जब तुम नाथ पंथ के योगियों पर कौड़े बरसाते थे? उस समय तुम्हें तरस क्यों नहीं आया? अरे उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उनका कसूर तो बस यही था कि वो भगवान के नाम का जाप करते थे। अगर अक्षमा मांगनी है तो उनसे मांगो जिसको तुमने जीते जी दीवारों में चिनवा दिया। हमने तुम्हें सुधरने का एक अवसर दिया था महेंद्र देव, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। हम योगियों को दया बहुत जल्दी आती है, लेकिन इसके साथ जब क्रोध आता है तो उसमें सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। ठीक है योगीराज, मैं सजा का पात्र हूं और मुझे सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं नाथ पंथ ग्रहण कर नाथ योगियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, जिसका प्रायश्चित इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक नहीं किया जा सकता। फिर भी महाराज आप याद कीजिए गुरु मच्छिंद्र नाथ की उन शिक्षाओं को, जो नाथ पंथ के योगियों का पहला कर्तव्य जिंदगी लेना नहीं देना है। आपको गुरु मच्छिंद्र नाथ की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए महाराज। महेंद्र देव, एक अपराधी होते हुए तुम गुरु गोरखनाथ को शिक्षा देते हो? मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर देता हूं।